एक प्रकार से मीडिया की उपस्थिति में बहुत सी बातें करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट बाइडेन को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप देखते होंगे कि यहाँ पर कृषि से लेकर के स्पेस तक शायद जीवन को स्पर्श करने वाले कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा भविष्य गढ़ने वाले हैं वो यहाँ मौजूद न हो। और दूसरी बात है कि यहाँ वेल एस्टैब्लिश फर्म्स भी हैं और स्टार्टअप्स भी हैं जो दोनों एक नए विश्व के लिए मिलकर के काम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी के महात्म्य को समझते हुए अमेरिका ने टेक्नोलॉजी में जो प्रगति की है वो, और भारत का युवा विशेष करके टैलेंट के कारण आज विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, तो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का ये मिलन मैं समझता हूं कि अपने आप में एक उज्जवल भविष्य के लिए गारंटी लेकर के आया है। ये सुबह कुछ ही मित्रों के बीच की है, लेकिन ये सुबह उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आई है। और मैं राष्ट्रपति बाइडेन का इस महत्वपूर्ण, भले ही छोटी हो लेकिन मैं कहता हूं ये होनहार है, ये शानदार है और ये धारदार भी है, और ये आने वाले भविष्य को बनाने वाली है। और इसलिए एक उज्जवल भविष्य की आशा अपेक्षा के संकल्प के साथ हम सब लोग राष्ट्रपति बाइडेन का जो विजन है, भारत के जो एस्पिरेशंस है, राष्ट्रपति बाइडेन के पास जो ताकत है और भारत के पास जो संभावनाएं हैं, उन सबको लेकर के आगे चलने का एक मक्कम निर्धार का ये अवसर है। और इसके लिए मैं सचमुच में मेरे मित्र रेमंडो को बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भारत की यात्रा की, काफ़ी समय निकाला और उन्होंने खुद ने जो अनुभव किया और उन्होंने आकर के यहाँ इसको आगे बढ़ाया, मैं आपका भी आभारी हूँ। और राष्ट्रपति बाइडेन जी का जितना आभार करूँ उतना कम है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। The partnership between India and the United States will go a long way, in my view, to define what the 21st century looks like. And our technological cooperation will be a big part of defining our partnership, So look forward to continuing working with all of you and on our voyage of discovery, as was referenced, and to building